बुधवार को करसोग के पांगणा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक हीरा लाल सहित स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ पर हर जिले में 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत करसोग के पांगणा में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हमारा कोरोना काल में निकल गया और ऐसी वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में जो है वो कोरोना फैला, परंतु हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का जो 2020 के बाद इसका प्रभाव हुआ, परंतु हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी के कुशल नेतृत्व में जो है समय पर इस पर हमारा मार्गदर्शन किया गया और समय पर जो है कहां पर अपने कोविड के सेंटर कितने खोले गए, कहां पर करना है, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई और अपना ऑक्सीजन सेंटर भी उसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट भी खोले गए और करसोग के अंदर भी एक ऑक्सीजन प्लांट दिया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो कोरोना काल में और यहाँ से काफ़ी मरीज हमारे करसोग से मंडी या नेचौक जाते रहे, वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों ने जो है इनका बहुत सेवा की है और कोरोना काल में जितने कभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और जिसमें आशा वर्कर सबने दिन रात मेहनत की है, एक बार पुनः से मैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दिन रात 24 घंटे दी है, अपने जीवन की परवाह न करते हुए स्वास्थ्य जो है सबका स्वास्थ्य स्वस्थ हो इसके लिए उन्होंने कार्य किया है, एक बार पुनः से मैं स्वास्थ्य कर्मियों का इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो स्वास्थ्य मेला पूरे देश में मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी जैसा कि हमें सीएमओ साहब ने कहा कि यहाँ पर भी हमारे शासित जो है अपने ये खंडों में मनाया जा रहा है और जो करसोग खंड का स्वास्थ्य मेला जो है आज पांगणा इस ऐतिहासिक नगरी में जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है और मैं जो है यहाँ पर सभी भाई बहन आए जो अपने स्वास्थ्य की जांच करवाए, यहाँ पर हर एक प्रकार के टेस्ट जो किए जाएंगे और सभी स्वास्थ्य मेले का आप लाभ उठाएं। और जैसे कि आपको विदित है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे देश में ऐसे गरीब लोग हैं जिनके स्वास्थ्य के लिए उनके पास पूरा धन नहीं होता है और एक महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, इस प्रकार की योजना बना करके जो हमारे बीपीएल परिवार और जो ऐसे परिवारों को चुना जिनका ये हेल्थ कार्ड बनेगा और उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में वो 5 लाख रुपए उनके परिवार के लिए जो है वो खर्च होंगे, ऐसे ये आयुष्मान भारत जो आज से 4 वर्ष पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो शुरू किया है। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसकी चतुर्थ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस तरह के स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। और हिमाचल प्रदेश में 76 स्वास्थ्य खंड हैं जिनमें 76 स्वास्थ्य मेले मनाए जा रहे हैं और मंडी जिला में 11 स्वास्थ्य खंड हैं जिनमें से 11 स्वास्थ्य मेले मनाए जा रहे हैं, जिनमें से भी करसोग खंड का मेला पांगणा में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 2 वर्ष से पूरा विश्व, पूरा हमारा देश और पूरा प्रदेश कोविड की महामारी से जूझता रहा, परंतु इसके बावजूद भारत सरकार ने और हिमाचल सरकार ने कोविड का कुशल प्रबंधन किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अगर हम बात करें तो मंडी जिला में 38,000 कोविड के पॉजिटिव केसेज आए, जिनमें से 33,000 जो मतलब स्वस्थ हो चुके थे और 502 यहाँ पर दुखद मौतें भी हुई हैं और आज के दिनांक में सिर्फ 7 पॉजिटिव केस हैं। ये प्रदेश सरकार का कुशल प्रबंधन ही रहा है कि जो जिस तेज़ी से कोविड की स्थिति को भापा गया और स्वास्थ्य सुविधाओं को
अपग्रेड किया गया, तो जो हमारा मृत्यु का आंकड़ा है मंडी जिला में बाकी जिलों के मुकाबले में बहुत कम है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना ही कहे या उनके जो एक उनकी सोच थी, दो परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में ऐसी हैं जिसमें सारा परियोजना और हेल्थ केयर योजना जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई है। एक योजना आयुष्मान भारत योजना है जो केंद्र सरकार की है। ये तीनों योजनाएं हमारी फ्लैगशिप कार्यक्रम है। मंडी जिला में आयुष्मान भारत के अंतर्गत अभी तक 85,000 परिवारों के कार्ड बन चुके हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। स्कूल निर्देशक एवं प्रधानाचार्य अंशुल रांटा ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल में नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। बोर्ड एवं नॉन बोर्ड कक्षाओं में स्कूल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में स्कूल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जबकि स्कूल में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम व परिवहन सुविधा सहित इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस स्कूल को नई मैनेजमेंट कमेटी चला रही है। आज ही अपने बच्चों का दाखिला करवाएं माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन का काम जारी है। इसी स्कूल के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 की सूची में अपने नाम अंकित करवाए। हमारे पास स्कूल का अपना सॉफ्टवेयर है, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में है, हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा स्कूल में है।